हफमैन कोडिंग, हफमैन कोडिंग जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली है सोर्स कोड के लिए होता है। तो हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसको हम हफ कोड में कैसे चेंज करेंगे और उसका कोड वर्ड कैसे बनाएंगे। हमारे पास एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सिंबल एस नॉट एस वन एस टू एस थ्री और एस फोर। जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो है हमारी 0.4, 0.2, 0.2, 0.1 और 0.1। जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा हफमैन कोडिंग का यही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप जो है कि जो हमारी जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी होती हैं, सबसे नीचे जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई हैं, तो उनको हम नंबर दे देते हैं 0 और 1। इसको हमने 0 दे दिया और इसको हमने 1 दे दिया। इसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या करते हैं कि जो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आई हैं इनको हम ऐड करेंगे। तो 0.1 प्लस 0.1 होता है हमारा 0.2। अभी जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम जितना ऊपर हो सकता है प्लेस करेंगे, तो लेकिन यहाँ जो सबसे हाईएस्ट है वो 0.4 है, उसके बाद 0.2। तो 0.4 तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये आ गई हमारी 0.4। इन दोनों को मिला के जो हमारी बनी 0.2 प्रोबेबिलिटी, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे क्योंकि ये भी 0.2 है, ये भी 0.2। तो ये हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन, जो इसकी पॉसिबल टॉप मोस्ट पोजीशन होगी वो ये हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बची है 0.2, उसको हम नीचे रख देंगे, इसको भी हम नीचे प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास जो बॉटम टू हो गई हैं वो हमारे पास ये हो गई हैं बॉटम टू, इसको हम कह देंगे 0 और इसको हम कह देंगे 1। अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.4। तो इसको हम ले जाके रख देंगे, स्टेज 3 आ जाती है हमारे यहाँ पर, स्टेज 3 में हम इसको सबसे ऊपर ले जाकर रख देंगे 0.4, क्योंकि जो हाईएस्ट है वो हमारी 0.4 है, ये भी 0.4 है। तो इसकी टॉप मोस्ट जो पॉसिबल पोजीशन बनती है, पॉसिबल जो बनती है टॉप मोस्ट, वो सबसे ऊपर आ जाएगी। फिर ये जो हमारा 0.4 बचा इसको हम नीचे कर देंगे, ये आ गई हमारी 0.4 और ये आ गई हमारी 0.2। अब जो हमारे पास सबसे नीचे बची हैं वो बची है हमारे पास 0.4 और 0.2। अब 0.4 प्लस 0.2 को हम ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारा 0.6। तो जाहिर सी बात है इसकी टॉप मोस्ट पॉसिबल पोजीशन हमारी हो जाएगी 0.6, ये आ गया हमारा स्टेज 3। और ये जो 0.4 है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो बना हमारा ये हमारा 0 और ये 1। तो ये हमारे सिंबल थे जिनको हमने डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी में अरेंज कर दिया था, 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1। फिर इसको हम रिड्यूस करते रहे, बॉटम वाले को हम 0.1 देते रहे और जो इनको ऐड किया उसको हम टॉप मोस्ट पोजिशन पे जो हमारे पास अवेलेबल हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसमें अरेंज करते रहे। तो इस तरीके से हमारा धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होती गई। स्टेज 2 पर हमारा एक कम हो गया, फिर स्टेज 3 पर 3 रह गए, फिर स्टेज 4 पर हमारे फाइनली हमें सिर्फ 2 मिले जिसको हमने प्लेस कर दिया 0 और 1। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कोड वर्ड है वो कैसा आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सिंबल है एस नॉट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 0.4। तो 0.4 का जब हम कोड वर्ड जनरेट करेंगे हफमैन कोडिंग के थ्रू, तो देखते हैं 0.4 यहाँ पर है, यहाँ पर है,
इसको हमने जब पास ऑन किया तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी या वन आएगी। तो पहले क्या आया हमारा, ज़ीरो आया, उसके बाद ये ऊपर प्लेस कर दिया हमने, इसको भी हमने क्या प्लेस की वैल्यू दी, ज़ीरो। इसके बाद आया हमारा 0.2, 0.2 को यहाँ से मूव किया, तो पहला जो आया वो हमारा ज़ीरो आया। उसके बाद हमने इसको ऊपर प्लेस किया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, फिर इसको नीचे लेकर गए तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई वन। इसी तरीके से ये वाला जो 0.2 है नीचे वाला, ये देखिए सिंबल एस टू कि जो प्रोबेबिलिटी है 0.2, इसको सबसे पहले हमने दिया वन, उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, फिर नीचे आया, इसकी वैल्यू वन। इसी तरीके से सिंबल थ्री जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 0.1, सबसे पहले उसको हमने दिया ज़ीरो, उसके बाद ये कोई नंबर नहीं, फिर इसको नीचे दिया हमने, यहाँ पे हमारा वन आ गया, फिर ये ऊपर चला गया जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। इस तरीके से सिंबल फोर प्रोबेबिलिटी 0.1, इसका जो सिंबल है पहले जो दिया हमने वन सिंबल दिया, उसके बाद इसको यहाँ प्लेस किया सेकंड पोजिशन में जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, फिर यहाँ 0.2, यहाँ पर वन, फिर इसको ऊपर प्लेस किया तो ये आ गया हमारा ज़ीरो। तो ये हफमैन कोडिंग से इस एग्ज़ाम्पल का हमारा कोड जनरेट हो गया, जो हमारा सिंबल एस नॉट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस वन विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, 1 0 1 1 0 सॉरी, एस टू का 0.2 1 1, एस थ्री 0.1 0 1 0, एस फोर का 0.1 प्रोबेबिलिटी और कोड वर्ड है हमारा 0 1 1। ये है हमारी हफमैन कोडिंग। थैंक यू।